हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं OBMS वर्ड पर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अपने वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड को ओपन करने के लिए आप लोग विन वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, विंडोज प्लस आर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके बटन का क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ओपन बटन को क्लिक करने के बाद आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर मेन्यू में जा करके आप लोग टेबल पर क्लिक कीजिएगा। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2×5 टेबल आपको ले लेना है। 2×5 आप लोग टेबल क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर टेबल आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरेट होने के बाद इस कॉर्नर पर पकड़ करके ड्रैग कर लीजिएगा आप लोग इसी पेज पर ही। तो आप लोग ड्रैग कर लीजिएगा। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आपके कुछ कॉलम ऐसे बड़ा बन के आ जाएगा आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पर इस एक टेबल में आपको फिलअप करना है और बाकी टेबल में हम अपडेट कर देंगे तो अपने आप फिलअप हो के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा, शेप का प्रयोग कर लीजिएगा। यहां से रेक्टेंगल आप लोग शेप ले लीजिएगा और यहां पर खींच लीजिएगा आप लोग रेक्टेंगल और अपने इच्छा अनुसार इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ पर। और स्कूल की आप लोग डिटेल फिल कर दीजिएगा। चलिए हम डिटेल फिल कर दे रहे हैं। देवराज कमांडर इंस्टीट्यूट। और इसको क्या करिएगा, सेंटर में क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। सेंटर में क्लिक करने के लिए Ctrl+E का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, या तो होम मेन्यू में यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप लोग तो आपका बीचों बीच आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करके थोड़ा से छोटा और कर लीजिएगा। फिर एक शेप आप लोग ले लीजिएगा और यहाँ पर एक शेप लेकर के आप नीचे इसको ड्रैग कर लीजिएगा, इसकी ड्रैग कर लीजिएगा और इसमें टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस को और एड टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से टाइप कर लीजिएगा एड्रेस स्कूल का। यहाँ पर मैं टाइप कर दिया हूँ चंडेश्वर आजमगढ़। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड कट रहा है इसको। इसको आप लोग क्लिक करके होम मेन्यू में जा करके यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर लीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगा। इसको कलर भी वर्ड को कर लीजिएगा यहाँ से आप लोगों के अपनी इच्छा अनुसार। कलर यहाँ आप क्लिक करेंगे अनेक प्रकार के कलर आ जाएंगे, इस पर क्लिक आप लोग कर लीजिएगा। इस रेक्टेंगल को फिल कलर कर दीजिएगा यहाँ से फिल के आकार पर आप लोग यहाँ से कोई एक अच्छा सा कलर ले लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से एक कलर ले लेते हैं, यहाँ पर इस कलर में यूज कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे वाले शेप में आकर के यहाँ पर दूसरा हम लोग फिल कर लेते हैं कलर। ये आपका फिल अच्छा लग रहा है, यहाँ टाइप कर लीजिएगा सबसे पहले नेम। इसको अनुपाते दे करके यहाँ पर एक डैश दे दीजिएगा और नीचे शिफ्ट बटन के साथ Ctrl+-माइनस वाला आप लोग यूज कर लीजिएगा, थोड़ा सा लाइनिंग ऐसे नीचे की बन के आ जाएगी। और स्पेस करके यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिएगा, यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा रोल नंबर। काफी बड़ा हो गया है आपका रोल नंबर। यहाँ पर रोल नंबर को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर रोल नंबर 001 डाल दे रहे हैं हम लोग। एंटर मार दीजिएगा आप लोग, नीचे आ जाएगा फादर्स नेम। इसमें
इसी तरह फादर्स नेम को भी दे दीजिएगा आप लोग लाइनिंग, एंटर मार के क्लास दे दीजिएगा। इन लाइनिंग दे दीजिएगा शिफ्ट के साथ, एड्रेस इसके बाद आप लोग इंसर्ट मेन्यू में जा करके एक शेप ले लीजिएगा फोटो लगाने के लिए। आप लोग रेक्टेंगल का प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग हैं यहाँ पर राउंड रेक्टेंगल का प्रयोग कर लीजिएगा, तो हम राउंड रेक्टेंगल का प्रयोग कर ले रहे हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। रोल नंबर के जस्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा, खींच दीजिएगा, और यहाँ पर एक सिग्नेचर के लिए आप लोग टाइप कर दीजिएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ पर डॉट डॉट दे दीजिएगा, यहाँ पर देने के बाद और इसको कलर करना चाहते हैं तो कलर ले लीजिएगा यहाँ पर, अगर ना कलर करना चाहते हैं तो ऐसे ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। इसके बाद हम लोग मेलिंग्स मेन्यू में जाइएगा और स्टार्ट मेल पर क्लिक कर लीजिएगा, लेबल पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। ओके मत करिएगा आप लोग, ओके मत करिएगा, ओके करने पर आपका एक्सेप्ट कर देगा, यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद माउस आपका ध्यान में रखें कि यहाँ पर होना चाहिए आपका रोल नंबर के जस्ट बाजू में, यहाँ आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा तो आपके टेबल में जितना टेबल बनाए रहेंगे उसमें आपका आईडी का फिल होकर के आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो एक आईडी कार्ड से आप लोग जनरेट कर सकते हैं बहुत सारी आईडी। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।